नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तन मन धन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मिल्कोज के मेल्टोविटा के बारे में। आपने शायद इसका नाम पहली बार सुना होगा। मेल्टोविटा एक स्वास्थ्यवर्धक ड्रिंक है जो बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है। इसमें 23 प्रकार के पोषक तत्व हैं जिससे ब्रेन डेवलपमेंट होता है, हेल्थी वेट गेन होता है। इसके अलावा हमारी हाइट को भी ये हेल्थ ड्रिंक इंक्रीज करता है और बॉडी के इम्यून फंक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस ड्रिंक से हड्डियाँ मजबूत होंगी और मेमोरी पावर भी तेज हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, बॉडी ग्रोथ को ये फास्ट करने वाला ड्रिंक है और रोगों से लड़ने की ताकत भी बनी रहती है। दोस्तों, आज मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि मिल्कोज मेल्टोविटा किस तरह बोनविटा से अलग है, और मैंने बोनविटा भी लिया है। इन दोनों का ही आज कंपेयर करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह ये कैडबरी के बोनविटा से अलग है और इन दोनों हेल्थ ड्रिंक में से कौन सा बेस्ट है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और मैं कोशिश करूँगा वीडियो छोटे से छोटा बनाऊँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, मेरे पास है दोनों 500 ग्राम के पैक। इनका MRP है 225 रुपये मेल्टोविटा के और 217 रुपये बोनविटा के, बट ऑनलाइन डिस्काउंट के साथ ही आपको मिल जाएंगे। इन दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आप इन दोनों को ही डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। दोस्तों, बात करें अगर इनके न्यूट्रिशन वैल्यू की, तो पर 100 ग्राम में हमें क्या क्या मिलेगा उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर बात की जाए एनर्जी की, तो आपको इनकी दोनों की लिस्ट मिल जाएगी। ये देखिए, ये बोनविटा की लिस्ट है, इसके अलावा ये है मेल्टोविटा की लिस्ट, और यहाँ से हमें पता चलेगा इसके न्यूट्रिशन के बारे में। एनर्जी देखें तो 393 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है कैडबरी के बोनविटा से, और मिल्कोज मेल्टोविटा से हमें 388 कैलोरी मिलती है। इसके अलावा अगर प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन है बोनविटा में 7 ग्राम और इस मिल्कोज के मेल्टोविटा में 10 ग्राम से ज़्यादा आपको प्रोटीन मिलेगा। तो प्रोटीन के मामले में मेल्कोज का मेल्टोविटा ज़्यादा अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 85 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है बोनविटा में, और मेल्टोविटा में मिलती है आपको 80 ग्राम के लगभग कार्बोहाइड्रेट। शुगर की बात करें तो 37 ग्राम शुगर आपको मिलेगी कैडबरी के बोनविटा में, और मेल्कोज के मेल्टोविटा में आपको केवल 8 ग्राम ही शुगर मिलती है। तो शुगर के मामले में ये मैं इसे बेस्ट कहूँगा, क्योंकि अगर इससे कंपेयर किया जाए तो बोनविटा में 4 गुना ज़्यादा शुगर है। अगर आपको शुगर से एलर्जी है, और वैसे शुगर हमारे शरीर के लिए सही तो होती नहीं है, कम शुगर लेना चाहते हैं और हेल्थी रहना चाहते हैं, तो मेल्टोविटा थोड़ा ठीक रहने वाला है, क्योंकि इसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ही कम है। इसके अलावा अगर फैट की बात करें, तो फैट आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा मेल्टोविटा में 3 ग्राम के आसपास, और यही फैट आपको बोनविटा में मिलता है 1.3 ग्राम। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी ये लगभग सेम मात्रा में है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन विटामिन सी इसमें थोड़ा ज़्यादा है, विटामिन डी भी इसमें ज़्यादा मिलेगा आपको। और जिंक, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, सेलेनियम, कॉपर, इन सभी की क्वांटिटी लगभग सेम ही है, दोनों इसमें बराबर हैं। लेकिन अगर फास्फोरस की बात करें, तो 230 mg फास्फोरस आपको बोनविटा में मिलता है, जबकि मेल्टोविटा में आपको 300 mg के बराबर फास्फोरस मिलता है, फास्फोरस भी इसमें ज़्यादा है। पोटेशियम की बात करें तो 160 mg पोटेशियम आपको बोनविटा में मिलेगा, और मेल्टोविटा में आपको 480 mg मिलेगा, यानी 3 गुना ज़्यादा आपको पोटेशियम मेल्टोविटा में मिल जाता है। मेरे हिसाब से 6 से 7 न्यूट्रिशन की जो क्वांटिटी है वो मेल्टोविटा में ज़्यादा पाई गई है। दोनों का MRP भी सेम है, 225 और 215, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा फर्क मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि इस दोनों में से विनर कौन सा है। आपको इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अपना कीमती समय देने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।